छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में एक समाचार पत्र के कथित संवाददाता विलास जांबुलकर का एक नया कारनामा सामने आया है, जिसने तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्रकार जगत को बदनाम करने वाले विलास जांबुलकर ने दूसरों की जमीन को स्वयं व परिवार के नाम पर दर्ज करवाया, बल्कि पत्रकारिता की आड़ में खसरा नंबर 407 की शासकीय भूमि को भी अपने हक की भूमि बताकर उसे मोटी रकम लेकर एक शासकीय अधिकारी को बेच भी दिया। हैरानी की बात तो यह है कि तत्कालीन कृषि विस्तार अधिकारी ने भी बिना किसी जांच पड़ताल के लाखों रुपए की जमीन को लालच में आकर औने पौने दाम में खरीद लिया, और तो और बिना रजिस्ट्री के ही वहां पर 2 मंजिला मकान खड़ा भी कर लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त जमीन की आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई है, केवल नोटरी के आधार पर इस शासकीय भूमि की खरीदी बिक्री हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विलास जांबुलकर के द्वारा नजूल भूमि को अपने हक की भूमि बताकर तत्कालीन कृषि विस्तार अधिकारी को औने पौने दाम में बेच दी और रजिस्ट्री की जगह केवल नोटरी थमा दी। कृषि विस्तार अधिकारी ने बताया कि कम दाम के चक्कर में बिना किसी जांच के शासकीय भूमि को खरीद लिया और वहां पर 2 मंजिला मकान खड़ा कर लिया, जबकि एक शासकीय अधिकारी कर्मचारी को तो आम आदमी से ज्यादा नॉलेज होती है, उसके बावजूद बिना किसी जांच पड़ताल के शासकीय भूमि की खरीदी कर ली। और तो और लोगों को नियम कानून की जानकारी देने वाले अधिवक्ता ने कैसे शासकीय भूमि की खरीदी बिक्री के स्टाम्प की नोटरी कर दी। आपको बता दें कि नजूल सीट, जिसका वास्तविक क्षेत्रफल 5000 स्क्वायर फीट है और यह शेख वजीर पिता शेख अंजुन के नाम पर दर्ज थी, इसे कुटर चना कर विलास जांबुलकर ने ना सिर्फ स्वयं व परिवार के नाम दर्ज कराया, बल्कि इसके आसपास के खसरों को मिलाकर इसका क्षेत्रफल बढ़ाकर 1,35,036 स्क्वायर फीट कर दिया, जिसके आधार पर आसपास की सारी जमीनों को स्वयं की स्वामित्व की भूमि बताकर और वन परिक्षेत्र उत्पादन का पुराना कार्यालय खाली करवाकर विलास जांबुलकर ने वहां पर अपना प्रेस कार्यालय भी बना लिया, और इसी के बाजू की जमीन खसरा नंबर 407 की शासकीय भूमि को भी एक सरकारी कर्मचारी को बेच दिया, वह भी अपनी रजिस्ट्री के। अब लगभग 2 साल बीतने जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी के पास केवल और केवल एग्रीमेंट का आश्वासन है, पर भूमि की रजिस्ट्री आज तक पर्यंत विलासपुर ने नहीं कराई है, क्योंकि भूमि पर विलास जांबुलकर का ही स्वामित्व नहीं है तो वह सरकारी अधिकारी को स्वामित्व कहां से देगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।